मैंने इसे अच्छे से वाश कर लिया है, फिर ऊपर का छिलका हटा दिया। अच्छे से छिलका मैंने हटा दिया। फिर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। कढ़ाई गर्म हो चुका है, उसमें छोटे छोटे पीसेस में कट किए थे उसको फिर डाल दिए। जब तक ये ब्राउन ना हो तब तक इसको फ्राई करते रहे। अच्छे से ये ब्राउन हो गया है। अच्छे से इसको फ्राई कर ले। ये हमारा स्वीट पोटैटो ब्राउन हो गया, फिर इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। सॉफ्ट हो गया है, अच्छी तरह से दूध में मिल गया है। इसमें 1 स्पून हमने चीनी ऐड किया है। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ज्यादातर ये झारखंड में ही मिलता है। Thank you.